हिमाचल आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। अभिहित अधिकारी से अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गोड्डा अनंत कुमार झा के निर्देश पर 15 सितंबर को गोड्डा बस स्टैंड के निकट स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोइन अख्तर के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पकौड़ी, जलेबी, समोसा इत्यादि को ढककर रखने, प्रतिष्ठान में साफ सफाई रखने, ढक्कनदार डस्टबिन इत्यादि उपयोग का निर्देश खाद्य कारोबारी को दिया गया। निरीक्षण खाद्य प्रतिष्ठानों में अत्यधिक गंदगी एवं खाद्य निबंध फूड लाइसेंस नहीं रहने पर मेजर्स मां दुर्गा अंडर स्टोर एवं होटल भोला कुमार शाह पर कुल 1500 का अर्थदंड लगाया गया। बस स्टैंड के आसपास आधा दर्जन दुकानों पर FSSAI के अनुरूप मापदंडों का अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा नोटिस जारी किया गया। सभी होटलों में छानने में उपयोग में होने वाले तेल की गुणवत्ता ऑयल फाइनिंग मॉनिटर ना मशीन से की गई और सही तरीके से तेल का उपयोग करने की जानकारी दी गई। अभिहित अधिकारी सह अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गोड्डा के द्वारा बताया गया कि आगामी पर्व त्योहार को देखते हुए इस प्रकार का निरीक्षण अभियान चलता रहेगा। साथ ही बिना वैध फूड लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के दुकान संचालन करते हुए पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसके लिए खाद्य कारोबारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ।